वॉकमैन कॉम्पनसेशन के थ्योरीज के बाद अगर एक एग्जांपल से इसको क्लियर किया जाए तो स्टूडेंट को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और इसी को मैंने ध्यान में रखते हुए इलस्ट्रेशन नंबर 42 को लिया है, जिसमें ट्रीटमेंट ऑफ वॉकमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ एग्जाम्पल है। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, यानी कि ये इन लोगों का ओल्ड रेशियो है। दे एडमिटेड डी एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द फर्म। फर्म के प्रॉफिट में डी को 1/5 शेयर दे रहे हैं ऑन 1 अप्रैल 2020। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट के बारे में कुछ डिटेल है, यानी कि बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में वॉकमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 90,000 है। ये कंपनी पहले से करके रखा हुआ है, क्योंकि फैक्ट्री में आए दिन अनसर्टेनिटीज होते रहता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो उसके लिए कॉम्पनसेशन के लिए पैसा हमारे पास पहले से है। अब यहां कुछ सर्कमस्टांसेस दिया हुआ है, आप सभी ध्यान से देखेंगे। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व ऑन द एडमिशन ऑफ डी अंडर फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। केस वन है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, जब कोई अदर इंफॉर्मेशन है ही नहीं तब क्या होगा, यानी कि कोई क्लेम है ही नहीं, पूरा का पूरा 90,000 हमारे पास है, तो ये 90,000 बटेगा पार्टनर के बीच में। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। 4:3:2 में 90,000 को बांट दिया गया ओल्ड रेशियो में। ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। केस टू, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 45,000। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो अमाउंट है रिजर्व का वो 90,000 है, जबकि वर्कर का एक्सीडेंट से जो क्लेम आया है वो 45,000 का आया है। तो जर्नल एंट्री होगा केस टू के लिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। 90,000 में से 45,000 क्लेम में ट्रांसफर हो गया प्रोविजन में, टू ए इज कैपिटल टू बी इज कैपिटल अकाउंट टू सी इज कैपिटल अकाउंट। अब बचा हुआ जो 45,000 है उसको 4:3:2 में बांट दिया गया, यानी कि कॉन्सेप्ट यहां निकल के आ रहा है कि 90,000 का रिजर्व से पहले प्रोविजन कर लिया गया क्योंकि एक्सीडेंट का क्लेम है 45,000 का। अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 45,000 उसको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान दीजिएगा, सरप्लस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व बोला, यानी कि क्लेम माइनस करने के बाद जो बचा उसका डिस्ट्रीब्यूशन। देन कंडीशन थ्री, इफ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 99,000। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व है हमारे पास 90,000 और इस बार क्लेम हो गया 99,000, यानी कि 9,000 का लॉस हो रहा है। जर्नल एंट्री केस थ्री के लिए, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व से पूरा 90,000 ले लिया गया। रीवैल्युएशन अकाउंट डेबिट, 9,000 का हमें लॉस हो गया इसलिए रीवैल्युएशन को डेबिट किया जा रहा है। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट, 99,000 प्रोविजन किया गया, यानी कि हमें टोटल 99,000 चाहिए था। इस 99,000 में 90,000 मेरा क्लेम से आया और रिजर्व से आया, और 9,000 जो है रीवैल्युएशन में लॉस में चला गया। अब नेक्स्ट एंट्री जो होगा, क्योंकि लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन में, इसलिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000, यानी कि 9,000 को 4:3:2 में बांट दिया गया पार्टनर के बीच में। ट्रांसफर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये जो केस थ्री में दो एंट्री हुआ है, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि हमारा जो क्लेम था वो रिजर्व से ज़्यादा था। तो सबसे पहले पहला जो एंट्री हुआ वो एंट्री इस बात को क्लियर किया कि हमारे पास पहले से कितना रिजर्व था, कितना हमें एक्स्ट्रा पैसा घर से लगाना पड़ा, यानी कि लॉस हुआ, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। ये पूरा वर्ड लिखना जरूरी है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट। और अब ये जो 9,000 का लॉस हुआ है ये किसके घर से लगा है, ये पार्टनर कैपिटल के से लगा है, यानी कि ये जो ए बी सी पार्टनर है इनके अकाउंट से डिडक्ट होगा, इसलिए ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप लोग जर्नल एंट्री को लर्न करने के बाद ये एक एग्जाम्पल जरूर देखेंगे, होपफुली आप लोगों को ज्यादा अच्छा से क्लियर होगा। एक बार ऊपर से ये सारा एंट्री हम लोग देख लें।
थैंक यू।